हिंदू समाज गौरवपूर्ण कैसे बने, भारत फिर से विश्व गुरु कैसे बने, इसकी चर्चा हुई है। कोर्ट के द्वारा तथ्य और सत्यों के आधार पर निश्चित रूप से हिंदू समाज को विश्वास है कि शीघ्र ही यह सब निर्णय होकर हिंदू समाज के पक्ष में आकर यहाँ के भी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का भी भव्य स्वरूप बनेगा, बाबा विश्वनाथ काशी का भी भव्य स्वरूप बन रहा है। कौरव यदि पांडवों पर युद्ध थोपेंगे तब तो भगवान कृष्ण को अर्जुन को यह आदेश देना ही पड़ेगा कि तस्मात युद्धस्व भारत, हे भारत की संतान उठ युद्ध के लिए तैयार हो। हिंदू समाज की रक्षा कैसे हो, हिंदू समाज गौरवपूर्ण कैसे बने, भारत फिर से विश्व गुरु कैसे बने, इसकी चर्चा हुई है। हमारे भारतवर्ष में हिंदू समाज सनातन समाज में जो कभी इस प्रकार की कमियां नहीं रही, विकृतियां नहीं रही, विषमता रूढ़ियां कुरूतियां नहीं रही जो इस समय आई उन सबको दूर, जिसमें से सामाजिक समरसता है, ऊंच नीच छुआछूत जात भेद भाषा भेद दूर होना चाहिए, अपने आपस में मिलकर रहना चाहिए, हम सब हिंदू एक हैं। ये जो हिंदू समाज में ईसाई मुसलमान बना के धर्मांतरण किया जाता है वो घर वापस लाए जाएं, इस प्रकार का। तीसरा, ये जो हमारी गौ माता है ये हमारे गाय की माता हम मानते हैं तो क्यों मानते हैं, उसकी सुरक्षा हो और उसकी नस्ल सुधार दूध वृद्धि आदि की व्यवस्था हो। और यह केवल अभी राम मंदिर का अपने समाज के सहयोग से खड़ा हुआ, अब भविष्य में श्री कृष्ण जन्मभूमि और बाबा विश्वनाथ के मंदिर का यह सब कुछ कोर्ट के द्वारा तथ्य और सत्यों के आधार पर निश्चित रूप से हिंदू समाज को विश्वास है कि शीघ्र ही यह सब निर्णय होकर हिंदू समाज के पक्ष में आकर यहाँ के भी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का भी भव्य स्वरूप बनेगा, बाबा विश्वनाथ काशी का भी भव्य स्वरूप बन रहा है और बनेगा। जिहाद को लेकर के जिस तरह से कई याद लव जिहाद धर्मांतरण ये सब मुद्दों को लेकर के हाँ वही तो बताया ना, धर्मांतरण का विषय बताया, लव जिहाद का विषय, ये सब विषय इसमें रहे। हम सब संत चूंकि हिंदू समाज कोई भी पूज्य संत हो अर्चक पुजारी पुरोहित तो उनके प्रति श्रद्धा विश्वास रखते हैं, तो ये सब जब अपने अपने विषय क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र में बोलेंगे प्रवचनों में बोलेंगे तो निश्चित रूप से हिंदू समाज जरूर हम सब हिंदू एक के रूप में भावना के साथ खड़े होंगे। एक अच्छा प्रयास है, विषय सामयिक है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देश में एक जनसंख्या संतुलन की गंभीर चुनौती सामने आ रही है और जिस समय प्रकार से हिंदू अस्मिता को सनातन स्वाभिमान को खुले रूप में चुनौतियां दी जा रही हैं, ललकारा जा रहा है, उसमें बहुत आवश्यक है कि संत समाज एक हो करके जनमानस को जगाए और वास्तविकता को समझाए। देखो हमारी सनातन संस्कृति में कहीं कभी भी किसी को नीचा दिखा करके ऊपर उठने की बात नहीं है, कहीं किसी को मार काट करके अपने सद्भावनाओं की बात नहीं है, लेकिन मान लो कि दूसरा यदि बिल्कुल ही स्वार हो रहा है, कौरव यदि पांडवों पर युद्ध थोपेंगे तब तो भगवान कृष्ण को अर्जुन को यह आदेश देना ही पड़ेगा कि तस्मात युद्धस्व भारत, हे भारत की संतान उठ युद्ध के लिए तैयार हो, और अर्जुन उठा, युद्ध हुआ फिर, तो यही एक आह्वान है। और दूसरी बात विशेष है कि समता समरसता की बात है कि कहीं ना कहीं राजनीति इस ढंग की हो गई कि जातियों में विखंडित करके केवल वोट बैंक अपना बढ़े, तो उस रूप में तो आज का ये संत समागम उससे अलग हट करके कि हमारी समरसता हमारे पहचान है और हम सब एक बने, नेक बने, संगठित संकल्पित होकर सामने आने वाली चुनौतियों को चुनौती दे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।